आप क्या करेंगे, अपन को तो चालू करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम वर्बी प्रोसेस समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखते कैसे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है वर्किंग रूल टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए देखिए, हमारे पास सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम का टाइप क्या है। हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन अप टू ए एन माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया। अब सबसे पहले इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, ऑपरेटर फॉर्म में। इसको ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या अज्यूम करेंगे, कैपिटल डी। जब ऑपरेटर फॉर्म आएगा डी एन ए वन डी एन माइनस वन अप टू ए एन माइनस वन डी ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी में चेंज करना, ऑक्सिलरी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट डी इज इक्वल टू एम। जब डी इज इक्वल टू एम पुट करेंगे हमें क्या मिलेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, एम टू दी पावर एन ए वन एम एन माइनस वन अप टू ए एन माइनस वन एम प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो। अब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को, हमको यहाँ पर एम के कितने रूट्स मिलेंगे, एम रूट मिलेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर एम की वैल्यू आ रही है एम वन एम टू अप टू एम एन। अब जब ये वैल्यूज आएंगी तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये वैल्यूज सारी के सारी कॉमन आए, इसमें कुछ वैल्यूज अलग आएंगी, कुछ वैल्यूज कॉमन आएंगी, कुछ रियल होंगी और कुछ कॉम्प्लेक्स होंगी। तो इस तरह से हमारे पास 24 केसेस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने के लिए। तो सबसे पहले हमारा है केस वन। केस वन क्या है, इफ एम इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। एम क्या रहेगा, रियल और डिस्टिंक्ट। इसका मतलब हुआ हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है एम इक्वल टू टू इज इक्वल टू अप टू एम एन, इसका मतलब यह कि कोई भी वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है, सारी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम क्या लिखेंगे, c1 e to the power m1x c2 e to the power m2x c3 e to the power m3x या मास आएगा अप टू m। तो ये किसके लिए लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने, जब m की वैल्यूज क्या हो, सारी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आ रही। फिर आता है केस नंबर टू। इसमें क्या है, इफ एम इज रियल, एम की वैल्यू तो रियल है बट सम रूट्स आर इक्वल। सम रूट्स आर इक्वल मतलब कुछ वैल्यूज क्या हो रही हैं, इक्वल आ रही है, रियल है बट कुछ वैल्यूज क्या है, इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा, m1 is equal to m1. Suppose that m1 और m2 की वैल्यू सेम आ रही है, इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, m and इसके बाद वाली जो वैल्यूज हैं m3 is equal to m4 up to mn, ये सारी वैल्यूज क्या हैं, नॉट इक्वल। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, तो आपको मेन समझना है वो इसके लिए समझना है कि इसको हम कैसे लिखते हैं, जो कॉमन था ये कैसे लिखेंगे, c1 plus x c2 e to the power mx plus c3 e to the power m3x plus c4 e to the power m4x up to cn e to the power mnx। ये किसके लिए हो गया, जब रियल हो और वैल्यूज
सम वैल्यूज आर इक्वल। केस थर्ड, इफ एम इज कॉम्प्लेक्स, रूट क्या हो कॉम्प्लेक्स, अगर रूट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास एम की वैल्यूज क्या आएंगे, सपोज एम वन हमको मिलेगा अल्फा माइनस आई बीटा एंड एम टू मिला अल्फा प्लस आई बीटा, इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखाएगा, तो लिखाएगा सी एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स, रियल पार्ट किस हिसाब से लिखेंगे हम एक्सपोनेंशियल के साथ, और जो इमेजिनरी पार्ट है तो किसका चला जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, यहाँ पर आएगा सी वन कॉस बीटा एक्स सी टू साइन बीटा एक्स, तो दिस इज द थर्ड केस। अगर हम फोर्थ केस की बात करें इसमें, तो फोर्थ केस ऐसा होता है इफ एम इज रैशनल, एम की वैल्यू क्या हो रैशनल, इस केस में हमारे पास एम वन की वैल्यू क्या है, सपोज अल्फा अंडर रूट ऑफ बीटा, और एम टू की वैल्यू क्या है अल्फा माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा, मतलब इसमें क्या हो रहा है कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा सी वन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस C2 e to the power alpha minus under root beta x, ये हमारे पास टोटल फोर कंडीशन है जिस पर हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, ठीक है ना। अब हम जो नेक्स्ट जो करेंगे उसमें हम प्रॉब्लम्स लगेंगे किस पर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस पर, इन सारे केस को कवर करते हुए हर केस पर न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आएगी।